करते हैं और अपने बीबी को पढ़ाना होगा तो आप त्रिपाठी जी क्या करेंगे? हाँ पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एक एक धोखा दे दी तब क्या करेंगे? अब धोखा दे दी तो फिर वो जाने मतलब पढ़ाएंगे जरूर। हाँ शादी जल्दी करने वाले हैं, किससे शादी करेंगे, कैसी लड़की से शादी करेंगे? ऐसी लड़की से करेंगे ना जो SDM बने और उसकी मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 का, उसकी मर्जी सही बोले, जहाँ ना चाहते जा जाए, लेकिन एटलीस्ट उसको डार्क में ना रखे ना, क्लियर कर दे कि हम आपके साथ खुश नहीं। को पढ़ाएंगे बीबी को अपने पढ़ाते हैं कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? और SDM बन जाएगी तब? और वो क्या होगा उसको, थोड़ी टेंशन है उसको। अगर SDM बन के छोड़ के चली गई तब क्या करेंगे? कैसे छोड़ के चल जाएगी? अरे SDM बन के छोड़ के चली जाएगी तो क्या करेंगे? अच्छा SDM बन के क्या करेंगे? उसका तरीका है ना, उसका तरीका है ना। हाँ अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? कैसे चल जाएगी? भाई जब पढ़ाए और भैया उसको तरीका है। हाँ तब सब गुण उसको थोड़ी दे देंगे। अच्छा SDM बन गई और आपको छोड़ के चली गई तो कैसे चल जाएगी? कैसे चल जाएगी? कैसे चली जाएगी? तो अभी आप देख रहे हैं ना ज्योति मौर्या को देख रहे हैं, हो रहा है ना बुरा हाल? क्या बुरा हाल होगा, क्या करेंगे? अब अलोक मौर्या रो रहा है, आप भी रोइएगा। कहा नहीं रोएंगे? अब पत्नी चली जाएगी तो रोएंगे ना? कहा रो रहा है? अरे अलोक मौर्य रो रहा है कि नहीं रो रहा है? अलोक मौर्य रो रहा है कि नहीं रो रहा है? बात कर, जैसे मैं भी बेटू का छात्र हूँ, ठीक है? बेटियों का छात्र हूँ, उधर जाओ, जब समझाइए मत। उधर कर रहे हैं, मैं बोला, मैं बोला कि सर मैं बाहर हूँ, लोग ऐसा बात करने लगते हैं, कोई हद ही सामना है। अरे मैं नहीं कानून जानता हूँ, आप लोग कानून से या तो उधर जाओ या तो इधर जाओ, इधर समझ में चल रहा है तो फिर बकवास मत करिए, ठीक रहेगा। हाँ हाँ बकवास कर रहे हैं और क्या, और लोग नहीं है क्या? ये लोग देखिए इन लोग का लैंग्वेज, लग रहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं है। अब आजकल एक मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैं खड़ा हूँ विश्वनाथ मंदिर में BHU में, जानते हैं क्या है? आजकल लड़के लड़कियाँ की अगर देखा जाए तो दिमाग बड़ा ओवर हो गया है, अगर देख लिया जाए तो इंटरनेट को लेकर चाहे जैसे भी। आज हमारे बीच में एक स्टूडेंट है और जानते हैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि एक लड़का कैसे कैसे मेहनत करके नौकरी पाता है, नौकरी पाने के बाद अपनी बीवी को पढ़ाता है और बीवी जब नौकरी पा जाती है तो उसको लात मार देता है, वजह क्या है जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ त्रिपाठी। कहाँ से है? यहीं BHU। BHU से है। हाँ एक हम सवाल आपसे करेंगे, आप एक ज्योति मौर्या का नाम सुने होंगे, बहुत काफ़ी ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, उसमें आलोक मौर्या एक पति, गरीब पति होता है, उसे पढ़ा के SDM बना देता, उसको छोड़ देती है, कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने पढ़ाया, उन्हीं के साथ रहना चाहिए था उन्हें। अच्छा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था उनका वो गलत था। हाँ। नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो खुद अपने से पढ़ के हो गई, उसने किया क्या है? नहीं नहीं जैसा कि उन्होंने बताया कि वो खुद उनकी मदद किया पढ़ाने में, उनको कोचिंग कराया है मनीष जी ने, तो उन्हीं के साथ रहना चाहिए था। और कुछ कोचिंग से जानते हैं, 135 की 40 लड़कियों को उनके पति बुला लिया है कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ मैं भी सोशल मीडिया पे ये देखा है कि नहीं। हाँ प्रयागराज से बुला लिया है। हाँ प्रयागराज से बुला लिया, आपको क्या लगता है? ऐसा भी कुछ वायरल हो रहा है कि बेटियों को पढ़ाओ बीवियों को नहीं। हाँ बेटियों को पढ़ाओ बीवियों। अच्छा अगर आप शादी करते हैं और अपने बीवी को पढ़ाना होगा तो आप त्रिपाठी जी क्या करेंगे? हाँ पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एक एक धोखा दे दी तब क्या करेंगे? अब धोखा दे दी तो फिर वो जाने मतलब पढ़ाएंगे जरूर। देख लीजिए शादी कर रहे हैं और शादी करेंगे तो पढ़ाएंगे जरूर, देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है वहाँ? थोड़ा सा वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी कहाँ से हैं आप? हम बनारस के मऊ जिला के हैं, PhD का पढ़ाई करते हैं पेंटिंग से। अरे वाह पेंटिंग से करते हैं, शादी हो गया है? नहीं अभी नहीं हुआ है, शादी जल्दी करने वाले हैं। शादी जल्दी करने वाले हैं, किससे शादी करेंगे, कैसी लड़की से शादी करेंगे? ऐसी लड़की से करेंगे ना जो SDM बने और उसकी मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 कहता है संविधान का कि वो स्वतंत्रता आजादी है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। अच्छा और क्या? अच्छा अब लोग कह रहे हैं कि नहीं एक पति को धोखा दे दी। नहीं कैसा धोखा? हाँ। शादी कर ले, गुलामी लिखा लिए हैं? अरे शादी कर लिए हैं आप, गुलामी लिखवा लिए हैं? अच्छा इससे पहले भी तो जा सकती, अब दो बच्चे हो गए। अरे जरूरी थोड़ा है, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, बताइए सर बताइए बताइए। उसकी मौलिक अधिकार है वो जहाँ चाहे वहाँ जाए। अच्छा आपकी अगर आपकी एक मिनट आपकी बीबी अगर ऐसा करती है तो आप क्या करेंगे? अरे हम बहुत खुश रहेंगे, हमारे पास कमी है, वो जाएगी दूसरी आएगी और क्या, मतलब आपकी बीबी ऐसा कर देगी तो खुश रहेंगे और क्या। हम बटे नहीं है, हम जो अपेक्षा नहीं किए हैं आप पे, चाहे माँ बाप पे, चाहे अपनी पत्नी पे, चाहे किसी पे, अपेक्षाकृत व्यक्ति नहीं है। वो जहाँ जाना उसको जाना दीजिए, जीवन मिला है एक ही तो जीवन है, किसी तरह खुश तो रहने दीजिए। हर पति ये चाहता है कि पत्नी से कहता है कि देखो तुम खुश रहोगी तो हमारी खुशी है, तुम्हारे खुशी में हमारी खुशी है, उसकी खुशी कहीं और तो तुम कहीं दुख हो रहे हो।
जब पति कहता है कि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तो उसकी खुशी कहीं और लग गई। इससे पहले भी तो जा सकती थी बेचारा पढ़ा लिखा के, जब पहले कौन जाता है बताए, कुछ नहीं रहेंगे आप तो कहीं जाएंगे, जब बन जाएंगे तभी ना जाएंगे। मतलब आलोक का यही गुनाह है कि उसने पढ़ा के उसको एटीएम बना दिया। और क्या गुनाह क्यों किया है, ये तो अच्छी बात है ना, किसी महिला को एसडीएम बनाया खराब बात थोड़े है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे हर कोई सोचे एसडीएम बनाया और भेज दे, हर एक पति पढ़ाए और अपने पत्नी को एसडीएम बना दे और छोड़ के चली जाए। आपका विचार होगा, आपका विचार होगा, आप अच्छा कर्तव्य करेंगे, जाएंगे नहीं, किसी कारण में चले गए, छोड़ छाड़ के रखे होंगे 2 साल से। देख अगर आपकी शादी होती है और आपकी बीबी डीएम बन जाती है तो आप क्या करेंगे? अरे हम पीछे पीछे लगे रहेंगे, नहीं ना लगे रहेंगे, हमारा भी तो कुछ जिम्मेदारी है, कुछ करेंगे। बाई दबे बीच में किसी और से प्यार हो गया, किसी और जगह चली गई, तो हम पीछे पीछे थोड़े जाएंगे, उसका ये करेंगे। बिल्कुल अच्छा। है कि नहीं, अरे ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, टेंशन ना लीजिए, मैं भी जानता हूँ यहाँ नहीं लेके आना है, मैं अंदर नहीं लेके जाना है, मैं बाहर हूँ सर, इधर भी नहीं ले आना है, सही बोल रहे हैं। ठीक है सर, कर लेते, बाहर कर लेते, एकदम बिल्कुल। तो सर मतलब आप करेंगे, मानेंगे नहीं? अरे हमारा क्या लिए है, हमारा तो कल हो सकता है कि कल मैं रहूंगा ना रहूं, कल के एक्सीडेंट में मरे जाएं, कल मेरी मौत हो जाए, तो परसों का हम चिंता करें, आज जी नहीं पा रहे हैं सही से, कल का हम चिंता करें। ओके ओके सर, बस चले जाते हैं, चले जाते हैं। एक लोग से बस बात कर, क्या कर रहे थे सर, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हम बस यही बोल रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा सर, चिंता बोल दी। हम बस यही बोल रहे हैं कि उसकी मर्जी, वो सही बोले, जहाँ ना चाहते जा जाए, लेकिन एटलीस्ट उसको डार्क में ना रखे ना, क्लियर कर दे कि हम आपके साथ खुश नहीं है। अफकोर्स जाओ, खुशी खुशी जाओ, लेकिन हमसे क्लियर कर दो। अगर ये बताइए, दो बच्चों की माँ हो जाती है और वो कितना मेहनत करके पढ़ाता होगा, अरे कितना भी होने के बाद जाना चाहती है जाए, लेकिन डार किधर ना रखे कि इधर भी धोखा में उधर भी धोखा, भाई एक जगह कहीं रहो, क्लियर करके रहो, क्योंकि इसी के साथ रहना तो इसी के साथ रहो, उधर खुश उधर तो उधर भी है उधर भी है, ऐसा थोड़ा रिश्ता चलता है, कहीं एक जगह चलाओ। आप देख रहे हैं भैया, ये पब्लिक ओपिनियन है, सर मना कर रहे हैं चूंकि कुछ है, मैं समझ रहा हूँ आपके कानून का मैं उल्लंघन नहीं करूँगा, जो आपका प्रक्रिया उसका मैं उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ, सही कर रहे हैं आप, मैं बाहर ही कर लूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं, अगर बात किया जाए तो आप भी अपने बीबी को पढ़ाएंगे? बीबी को अपने पढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ाएंगे। और एसडीएम बन जाएगी तब? अरे वो क्या होगा, उसको थोड़ी टेंशन है, उसको अगर एसडीएम बन के छोड़ के चली गई तब क्या करेंगे? कैसे छोड़ के चल जाएगी? अरे एसडीएम बन के छोड़ के चली जाएगी तो क्या करेंगे? अच्छा एसडीएम बन के छोड़ कर चली जाएगी तो क्या करेंगे? उसका तरीका है ना, उसका तरीका है ना। अरे बापरे, क्या करेंगे, कैसे चल जाएगी? भाई जब पढ़ाए और भैया उसको तरीका है, तब सब गुण उसको थोड़ी दे देंगे। अच्छा डीएम बन गई और आपको छोड़ के चली गई तो कैसे चल जाएगी? कैसे चल जाएगी, कैसे चली जाएगी? अभी आप देख रहे हैं ना, ज्योति मौर्या को देख रहे हैं, हो रहा है ना बुरा हाल? क्या बुरा हाल होगा एसडीएम बन के पति को छोड़ गई? नहीं बुरा हाल होगा, होगा। अच्छा क्या करेंगे, आलोक मौर्या रो रहा है, आप भी रोइएगा? कहाँ खड़े रोएंगे, कहाँ खड़े रोएंगे, कहाँ नहीं रोएंगे? अब पत्नी चली जाएगी तो रोएंगे ना? कहाँ खड़े रोएंगे, रो रहा है? अरे आलोक मौर्या रो रहा है कि नहीं रो रहा है? आलोक मौर्या रो रहा है कि नहीं रो रहा है? रो रहा है आलोक मौर्या, रो रहा है कि नहीं रो रहा है? इंसाफ मिलेगा तो आप भी रोएंगे, देख लीजिए आपके आंखों में आंसू की, कहीं बीबी छोड़ के चली जाएगी तो रोने लगेंगे? ऐसा थोड़ी होगा, मानिए आप रोने लगेंगे, वही बात एकदम निश्चित कर रहे हैं कि रोने लगेंगे? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? दूसरी शादी करेंगे या उसको? अरे भाई उसको इंसाफ मिलेगा, और क्या, एकदम गलत किया है, नहीं करना चाहिए वैसा। अच्छा अच्छा, ज्योति आपके नजरों में सही है? नहीं गलत है, गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्यों गलत है? वैसा नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए, विश्वास टूट रहा है ना, विश्वास टूट रहा है ना, किसका विश्वास टूट रहा है, किसका, पत्नी का विश्वास टूट रहा है ना, पत्नी का विश्वास टूट रहा है, पत्नी का विश्वास टूट रहा है, मतलब आप कोई शादी नहीं करेगा? अब मैं वैसे नहीं भाई, नहीं ये बता, कोई शादी नहीं करेगा? करेगा क्यों नहीं, करेगा क्यों नहीं, आप तो कोई शादी नहीं करेगा? करेगा क्यों नहीं करेगा, कि अब शादी करेगा आपके मायने में? करेगा। अरे बाप रे बाप, अगर भाई तब अगर आपकी आपकी बीबी होती इस जगह पर तो आप क्या करते? ज्योति गलत किया। अच्छा ज्योति गलत किया तो कैसे, मतलब अगर अगर देखा जाए तो कैसे इसको होगा? ऐसे तो अब पत्नियों पर सबका अधिकार खत्म होता जा रहा है, क्या करिएगा बताइए ना, बताइए सर। अरे एकदम हो गया सर, आप देख रहे हैं उद्घाटन चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ना सर, चलिए भैया अपने बीबी को भाई इधर सामने मत करो, मैं बोल रहा हूँ उधर जाओ, एक बार बोल रहा हूँ।
ये तो उद्घाटन हो रहा है, दिक्कत क्या? एक बार वो देख नहीं रहे सामने सब पूरे बीएचयू के अफसर खड़े हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो उधर चलो चलो बाहर। अरे तो बाहर है नहीं कि अंदर है क्या? बाहर नहीं तो अंदर है क्या? इधर गेट के पास है, उधर जाओ। नहीं तो आप कहां तक आ रहे हैं? हम बाहर ना रहे हैं, बोला बाहर के काम है। आपका काम है इसे बात कर, जैसे मैं कानून नहीं, मैं भी बीएचयू का छात्र हूं, ठीक है? अरे कोई बीएचयू का छात्र हो, उधर जाओ। जब पूरे समझाइए मत, उधर कर रहे हैं, मैं बोला हूं, मैं बोला कि सर मैं बाहर हूं, उधर साइड में जाओ। तो आप लोग ऐसा बात करने लगते हैं, कोई हद ही सामना है। अरे मैं नहीं कानून जानता हूं, आप लोग कानून सिखा या तो उधर जाओ या तो इधर जाओ। इधर समन्वय चल रहा है तो फिर बकवास मत करिए, ठीक रहेगा। हाँ नहीं मतलब मत बोलिए, हाँ बकवास कर रहे हैं और क्या, और लोग नहीं है क्या? ये लोग देखिए इन लोग का लैंग्वेज, लग रहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं है। अब देख रहे हैं यही हालात है। चलिए मैं कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आ गया, और कहीं जो भी हो रहा है जैसे हो रहा है अच्छा है, और कानून के दायरे में रह के मैं काम करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से हो। अरे ठीक है सर, ठीक, इधर सामने नहीं करना, इधर सामने नहीं करना, ठीक है, निकल रहा है ना, निकल जाओ, उधर निकल जाओ, इधर सामने। चलिए भैया आप इनके